गांधी जयंती के हवाले से पूरे मुल्क भर में एक शांति रैली जो है ऑर्गेनाइज की गई। नाजरीन आपको बता दें कि इस वक्त मैं मौजूद हूँ शुमाली कश्मीर जिला बारामूला के बिल्कुल एंट्री पॉइंट पे, डिस्ट्रिक्ट बारामूला के एंट्री पॉइंट पे। आज जो है ये शांति यात्रा जो है आज बारामूला डिस्ट्रिक्ट पहुँचेगी। आपको बताना चाहेंगे कि 15 सितंबर जो है ये यात्रा यहाँ पर कश्मीर में शुरू हुई, जिसकी जो है इनाग्रेशन बाजाबता जो है प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन आलोक कुमार जी ने की थी। आज जो है कई सारे डिस्ट्रिक्ट से ये यात्रा गुजरी और फाइनली आज यहाँ पे ये बारामूला पहुँची और इसको रिसीव करने के लिए जो है यहाँ पे खुद सीईओ बारामूला मौजूद थे। हमारे साथ जो है सीईओ साहब मौजूद है, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे इस यात्रा के हवाले से। सर सबसे पहले केएनएस में आपका वेलकम है। सर हमें बताइए सर, आज जो यहाँ पर ये यात्रा शुरू हुई सर, इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए जैसे कि आप जानते हैं आज पूरा मुल्क हिंदुस्तान जो है 154वां बर्थ एनिवर्सरी मना रहे हैं अपने महात्मा गांधी की। महात्मा गांधी का जो संदेश था एक हिंदुस्तान के लिए पीस और प्रॉस्परस हिंदुस्तान, उसी के हवाले से आज सारे मुल्क में ये मनाया जाता है। और हमारे JKUT में कश्मीर डिवीज़न में भी ये शांति यात्रा जो कि हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी श्री आलोक कुमार सर हैं, उन्होंने आज से पहले 15 दिन यहाँ से स्टार्ट की थी अपने अनंतनाग से होते हुए ये कुलगाम से पुलवामा, पुलवामा से बडगाम और आज हमने बारामूला में रिसीव किया है। और बारामूला में भी ये 3 दिन रहेगी और हमारी तरफ से सभी आवाम को यही मैसेज है कि इस शांति यात्रा के हवाले से एक अमन का पैगाम जो लोगों में जा रहा है और हिंदुस्तान एक अमन पसंद मुल्क उभर के आ रहा है सामने और तरक्की पजीर मुल्क बन रहा है, उसी का एक पैगाम हम सब लोगों को देना चाहते हैं। और इसमें जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने जो कि इसमें भरपूर हिस्सा लिया है और आज हमारे सभी स्कूल इस नार्बल के इस एरिया के स्कूल इसमें जमा हुए हैं और हमने ये जो है मिसाल यहाँ पर रिसीव की है नार्बल के पॉइंट पे जो कि हमने बडगाम सीईओ से रिसीव की। सर अगर हम बात करेंगे महात्मा गांधी के जन्मदिन के हवाले से इस यात्रा को जो है मनाया जा रहा है, हमने देखा है जो महात्मा गांधी का अक्सर यही पैगाम होता था कि अहिंसा को लाया जाए, शांति पे जो है फोकस किया जाए, तो बट आज हमने देखा कि स्कूल बच्चों ने जो है इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, तो क्या कुछ आप देखते हैं जोश बच्चों में जो है, किस तरह से इसको देखते हैं? देखिए मैं आपको एक बोलूँगा कि बच्चों में एक इस वक्त वलवला है अपने मुल्क के तहीं और इन त्योहारों को, इन नेशनल डेज को बड़े खुश उसलूबी के साथ हमारे स्कूली एजुकेशन डिपार्टमेंट के बच्चे मना रहे हैं। और बच्चों में आप खुद देख रहे हो कि बच्चों में कितना जज्बा है। जिस वक्त हमने ये स्टार्ट किया तो हमने नेशनल एंथम से हमारा ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ और इस वक्त हम आगे रास्ते में चलते जा रहे हैं। सभी लोगों की, सभी बाकी डिपार्टमेंट्स की, अपनी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की, पुलिस डिपार्टमेंट की, हमारे साथ पूरा तावन है और इसको हम बड़ी अच्छी तरीके से, ये 3 दिन हमारे डिस्ट्रिक्ट बारामूला में रहेगी मिसाल, तो हम इसको पूरा अच्छी तरीके से चलाएँगे और हर एक स्कूल में पहुँचने की कोशिश करेंगे और बच्चों तक ये मैसेज पहुंचाएंगे जो गांधी जी की टीचिंग्स और प्रीचिंग्स थी वो हम स्कूली बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे और स्कूली बच्चे भी बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रहे हैं। सर अगर हम एजुकेशन की बात करेंगे सर, पॉजिटिव एजुकेशन एक बच्चे में कितना इंपॉर्टेंट है, जब उसको एक पीसफुल माहौल मिलेगा तो सर कितना इंपॉर्टेंट है एक पीसफुल माहौल एक बच्चे को एजुकेशन जो है हासिल करने के लिए? देखिए एजुकेशन मीन्स की ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स, तो ये तभी मिल सकता है जब पीस होगा। तो पीस प्रिवेल कर रहा है इस वक्त और पीस की वजह से हमारे स्कूली एजुकेशन डिपार्टमेंट में जितने भी हमारी एकेडमिक्स एक्टिविटीज़ हैं बड़ी अच्छी तरीके से चल रही हैं, पोस्ट स्कॉलरशिप एक्टिविटीज़ हैं बड़ी अच्छी तरीके से चल रही हैं। आप देखते हो कि चाहे वो फिट इंडिया का हवाले हो, चाहे वो स्वच्छता पखवाड़ा के हवाले से, बाकी जितनी भी एक्टिविटीज़ हमारी नेशनल लेवल की एक्टिविटीज़, उसमें हमारे स्कूली बच्चे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। दिस इज़ पीस आई थिंक। सर अगर हम बारामूला एजुकेशन की बात करेंगे सर, एनरोलमेंट के हवाले से आप 1 रैंक पे रहे सर, किस तरह से जो है बारामूला का एजुकेशन सिस्टम चेंज हो रहा है, इंप्रूव हो रहा है, थोड़ा सर ब्रीफली हमें बता दीजिए। देखिए मैं आपको बात ही बोलूँगा, इसमें जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के पास इस वक्त जो है प्रायोरिटी सेक्टर 1 है एजुकेशन डिपार्टमेंट, उसके हवाले से जो है काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा डेवलप हुआ। हमारे बारामूला में
किंडर गार्डन पहले स्कूलों में नहीं हुआ करते थे, तो वो किंडर गार्डन क्लासेस आ गए, उस वजह से लोगों का एक रुझान बढ़ा। उस किंडर क्लासेस में जब चाइल्ड फ्रेंडली मटेरियल प्रोवाइड किया गया, लोगों ने देखा कि अब जो गवर्नमेंट स्कूल उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है या बाकी फैसिलिटीज़ है दिन ब दिन बढ़ रही हैं, तो इस तरीके से लोग रागब हो गए गवर्नमेंट स्कूल की तरह। और हमने भी इसमें काफ़ी कोशिश की, हमने इन्वॉल्वमेंट ड्राइवर्स स्टार्ट किए, हम डोर टू डोर गए, कंपेन्स किए, और हमारा जो स्कूल एजुकेशन का डिपार्टमेंट का जो रोल है इस वक्त पॉजिटिव रोल है समाज में, और इसी वजह से हमारा एनरोलमेंट जो है दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। इसमें जो है इसमें जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो हमारे टीचर्स हैं, चाहे वो हमारे फील्ड फंक्शनरीज हैं, चाहे वो हमारे ऑफिसर्स हैं, उन्होंने ठान ली है कि हमने इस डिपार्टमेंट में तन दिल्ली से काम करना है और बड़ी वलवले के साथ काम करना है। उसी वजह से आप देख रहे हो कि अब एजुकेशन, गवर्नमेंट एजुकेशन सेक्टर जो है आगे बढ़ रहा है। सर लास्ट में आपसे जाना चाहूँगा, सर ये यात्रा अभी यहाँ से कहाँ जाएगी, थोड़ा सा हमें इसको लास्ट में बता दें। देखिए ये यात्रा जो है शांति यात्रा, ये 3 दिन की यात्रा जो डिस्ट्रिक्ट बारामूला में रहेगी। आज हमने जो है नारबल से स्टार्ट की, नारबल से स्टार्ट होकर हमारे जो नेक्स्ट पड़ाव रहेंगे वो डिफरेंट स्कूल्स हैं, रोड के डिफरेंट स्कूल्स, उसमें डिफरेंट स्कूल्स स्कूली बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। और हम आज का जो यहाँ हमारा जो पड़ाव रहेगा फर्स्ट पड़ाव वो HS छूरा में है, HS छूरा के वहाँ पर हम रात को वहीं पर रुकेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट डे हम वहाँ से स्टार्ट करके हम दूसरे दिन दीवानबाग हाई स्कूल में स्टे करेंगे, और तीसरे दिन हम वहाँ से स्टार्ट करके फिर आगे हम वतरगाम डिंगी बच्चा तक पहुँच के वहाँ से डिंगी बच्चा से हम जो है वो अपने कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के CEO को हवाला करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपको सर, ये शांति यात्रा बहुत बहुत मुबारक हो। तो ये हमारे साथ जो है CEO बारामूला थे, जिनका वजातन यही कहना है जो ये शांति यात्रा है इसका यही मकसद है कि जो गांधी जी की जो टीचिंग्स थी, जैसे कि हम पीस और ब्रदरहुड जो है इसको हम आम करें, और इस यात्रा के ज़रिए जो है हम बच्चों में जो एक पॉजिटिव मैसेज डालें, आगाह करें कि अमन जो है कितना ज़रूरी है मुल्क भर में, और जिससे जो है हम आगे तरक्की का रास्ता और हासिल कर सके। मोहसिन खान, KNS के लिए, नारबल, बारामूला से।